रामचंद्र भगवान की जय, शिवजी बाबा की जय, राम पीर की जय। Thank you.
आदरणीय स्वामी प्रकाशानंद सागर, मुरब्बी श्री गांधी भाई, रामदेव पीर भजन मंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, अन्य भजन मंडलों के सभी भाइयों, सम्माननीय श्रोता बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, आज सायंकाल सुंदरकांड के पवित्र पाठ में आप सबके मध्य बैठने का अवसर मिला, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। जहां जहां भगवान के पवित्र गुणानुवादों का कथन होता है, वहां वहां सारा संसार और वातावरण उससे पवित्र होता है। आज के संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है मानव का मन शुद्ध हो, समाज का वातावरण शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और यह शुद्धता इतनी अधिक बढ़े कि मानव के मन का मैल समाप्त हो जाए और सब परमात्मा के चरणानुरागी बन जाए। सदियों से हम सब लोगों ने अपनी इस हिंदू संस्कृति के भजन संकीर्तन यज्ञ पाठ साधना तप जप दान पुण्य इन सब के द्वारा उस पवित्रता को ही पाने का प्रयत्न किया है, चाहे जिस देश में हम रहते हों, लेकिन हम सबका लक्ष्य यही रहा है। धरती बदलती रहती है, सिद्धांत नहीं बदलते, व्यक्ति बदलते रहते हैं पर सिद्धांत नहीं बदलते। उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर सदियों तक लोग जीवन के उस परम सत्य का दर्शन करने की चेष्टा करते रहते हैं, जिसकी जितनी साधना होती है उसको उतना मिल जाता है। आप सब लोग मुकवासा में समुद्र के किनारे रहते हैं या जब भी कभी आते हैं तो आप समुद्र का दर्शन करते हैं। समुद्र की बड़ी गहराई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र में गोता लगाकर इसके भीतर से कभी कभी रत्न भी ले आते हैं। भक्त भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है, जो भक्त अपने अहंकार और ममता का परित्याग करके शरणागति पूर्वक इस भक्ति के गोते भक्ति के सागर में गोता लगाता है, उसको रत्न नहीं मिलता, उसको स्वयं राम मिल जाते हैं, उसको स्वयं श्याम मिल जाते हैं, उसको स्वयं शिव मिल जाते हैं, उसको स्वयं जगदम्बा मिल जाते हैं। जो जिसका इष्टदेव हो उसके प्रति संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए, अनन्य विश्वास रखते हुए जो लोग अपनी इस भक्ति के मार्ग में चलते हैं, उनके लिए भक्ति भक्ति नहीं होती, भक्ति जीवन की संपत्ति बन जाती है। जैसे साधारण व्यक्ति की संपत्ति में हानि लाभ हो तो उसको हर्ष और शोक होता है, भक्त को भी जिस दिन भगवान की साधना और भजन नहीं होता उसको बड़ी पीड़ा होती है। उसको लगता है कि आज का दिन हमारा बेकार चला गया। वास्तव में इतना ही प्रेम, इतना ही अनुराग भगवान के साथ जगना चाहिए। जैसे मछली छटपटाती है, सुखी मीन जानी रे गाधा हरि शरण एक कौआ, सुखी मीन जानी रे गाधा हरि शरण एक कौआ। मछली को पानी में बहुत सुख मिलता है, जब उसको पानी से निकालकर आप किसी भी दूसरे मूल्यवान वस्तु में रखते हैं तो वो छटपटाने लगती है। इस जीव रूपी मछली को आप कितने भी पदार्थ के पानी में, पदार्थ की वस्तुओं में, उपलब्धियों में, संसार की भौतिक सुखों में रखने का प्रयत्न करिए, लेकिन जीव की जननी तो तभी जा सकती है जब भगवान के चरणों का दर्शन। कई बार आप रामायण का पाठ करते हैं, उसकी एक एक चौपाई जीवन भर मनन करने योग्य है, लेकिन मुझे तो भरतलाल जी महाराज की उपमा की बहुत ही प्रेरणादायी लगती है कि सब लोगों ने मिलकर कहा कि अब चक्रवर्ती साम्राज्य आप संभालिए, पिता की आज्ञा है, माता का वरदान है, गुरु वशिष्ठ की सम्मति है, भगवान श्री राम का त्याग है, लक्ष्मण ने समर्थन दिया है, प्रजा मुख है, कोई विद्रोह नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आप राजगद्दी संभाल लीजिए। अब
इतिहास के आदमी को इतना बड़ा वैभव कितना भी प्रयत्न करे तो भी नहीं मिल सकता जितना बिना प्रयत्न किए हुए भरतलाल जी को मिल रहा है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप जितने लोग हैं, सब लोग बार बार कहते हैं कि आप राज्य सिंहासन संभालिए, लेकिन मेरी बड़ी कठिनाई है और मैं अपने उस मन की बात को सबको समझा के कहना चाहता हूं, समय कहां समझाए। उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि आप सब तो मुझे बहुत समझा रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको कुछ समझाना चाहता हूं। और बड़ी अच्छी पंक्ति है उस दोहे की, समय कहां समझाए, देखे बिन रघुवीर पर जिए के जरन न जाए। भगवान के चरणों पर रखकर मैं दर्शन न करूं, मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं। अब आप विचार करिए, सतयुग का एक आदमी, परमात्मा के निकट रहने वाला उनका भक्त, अनन्य अनुरागी सेवक भ्राता, जब ये कह रहा है कि महाराज चक्रवर्ती साम्राज्य पाने पर भी मेरे मन की जलन नहीं मिटेगी, मेरे जीवन की दाहकता समाप्त नहीं होगी, तो हम और आप इस कलयुग में कितना एकत्र करके सुख पाने की चेष्टा करेंगे। सुख भले ही मिल जाए लेकिन वह अनुराग परमात्मा का नहीं मिल पाएगा। इसलिए संपत्ति के बीच में ऐसे भजन मंडल के जब कभी कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छी बात है, आदमी को इनसे दिशा मिलती है कि लौकिक कार्य करते हुए भी अपने जीवन के इस उद्देश्य का विस्मरण नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का आपने पाठ किया, देश भर में से अनेक भजन मंडली यहाँ आई, 2-3 दिन तक ये कार्य चलेगा और भजन करने से ही जन को सुख मिलता है। जन है जनता और भा ज्ञान है। भजन करने का सबसे बड़ा लाभ ये है, भक्ति तो मिलती ही है, लेकिन हमारे वेदांत शास्त्र ने और प्राचीन ग्रंथों ने भक्ति करते करते ज्ञान की सीमा पर पहुंचने का भी संदेश दिया है। वैदिक ऋषि ने कहा, रिते ज्ञानान न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मानव की मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का अर्थ आप ये लगाइए, संसार की वस्तुओं से आसक्ति का छुटकारा। मुक्ति का अर्थ ये मत लगाइए जो वेदांती लगाते हैं कि आप ब्रह्मरूप हो जाएंगे। हो जाए बड़ी अच्छी बात, ना हो जाए तो बहुत चिंता की बात नहीं। भजन करते करते आपको वो मुक्ति मिलेगी जिसमें जीवन में ही आप उसका अनुभव कर सकें। कई ऐसे भक्त यहां विराजमान हैं, नाम उनका मैं नहीं लूंगा, जिनको मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं, बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चंचरी के जिमि चंपक बाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भौंरा भ्रमण करता है, चंपा के बगीचे में जाता है, वे पुष्प उसको पकड़ना चाहते हैं, बंधन में डालना चाहते हैं, लेकिन वो परमात्मा के चरणों का चंचरीक बनकर जगत में रहता तो है लेकिन जगत के साथ रमता नहीं। रहना एक अलग बात है, रमना एक अलग बात है। यदि आप परमात्मा के अनुरागी हैं तो आपका रमण, आपका विहार, आपका आनंद उस परमात्मा के साथ ही जुड़ा होगा और वहीं से आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो क्षण ईश्वर के स्मरण में व्यतीत हो जाए उन्हीं क्षणों को सार्थक मानना चाहिए।